सो हेलो एवरीवन, लाइट रूम एक और कमाल की वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम करेंगे फेड लुक वाली फोटो एडिटिंग को अपने लाइट रूम एप्लीकेशन की मदद से बहुत ही इजी स्टेप्स में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पिक को इंपोर्ट कर लेंगे, फिर लाइट वाले सेक्शन पर जाकर हाईलाइट्स को -48 कर देंगे और शैडो को +17 कर देंगे। क्योंकि इसकी लाइटिंग पहले से ही सही है, तो बस हम इसमें दो चीज़ यूज़ करेंगे, हाईलाइट्स को और शैडो को। तो इतना हो जाने के बाद हम टेक्सचर वाले टूल्स की तरफ जाएंगे, स्ट्रेट क्लैरिटी को +6 कर देंगे और स्टेबिलिटी को -44 के अराउंड कर देंगे, जैसे कि आप देख सकते मैंने कर दिया है। और मिड पॉइंट को 29 कर देंगे, रेट 29 चल रही, और फेदर को 68 या 69 के अराउंड कर देंगे। तो इतना हो जाने के बाद यहाँ से स्टूडेंट कर देंगे और शार्पनेस वाला टूल्स पे जाएंगे, शार्पनेस को +16 या 17 के अराउंड कर देंगे और जो जैसे उसको वैसे ही छोड़ देंगे। इतना हो जाने के बाद अब हम कलर वाले टूल्स पे जाएंगे, टेम्परेचर +1 कर देंगे, टिंट को +17 कर देते हैं और वाइब्रेंस को +30 कर देंगे। वाइब्रेंस हमेशा बढ़ाए कर रखिएगा, जिससे आपकी फोटो की कलर उभर के आएगी। इतना हो जाने के बाद हम मिड वाला टूल पे जाएंगे, रेड कलर के सेचुरेशन को -18 कर देंगे और इसके ल्यूमिनस को -4 के अराउंड रखेंगे, जैसे कि आज मैंने कर दिया है। आप भी सेम मेरी तरह ही कॉपी कीजिए, तब जाकर आपको ये फेड वाली लुक मिलेगी आपकी फ़ोटो में। सो जाए यहाँ से -4 कर देता हूँ। तो ऑरेंज वाले कलर्स पे जाएंगे, इसके भी सेचुरेशन को -10 कर देंगे और इसके ल्यूमिनस को +8 कर देंगे। सो ये भी यहाँ से डन हो चुका है। अब येलो वाले कलर पे जाएंगे, येलो कलर के ह्यू को -100 कर देंगे और उसके सेचुरेशन को -27 या 28 के अराउंड रखेंगे। तो गाइस मैंने यहाँ भी कर दिया इसे। अब हम ब्लू वाले कलर पे जाएंगे, सीधे इसके ह्यू को -20 कर देंगे और इसके सेचुरेशन को +48 के अराउंड कर देंगे और इसके ल्यूमिनस को -16 के अराउंड कर देंगे। जो अपन जिस चैनल पर नए हैं वो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलने के लिए। तो गाइस मैंने यहाँ पर 48 कर दिया, इसके लिए मैंने इसको -16 कर दूंगा। सो इसको यहाँ से डन कर देंगे अब हम, और उसके बाद पिंक और वॉयलेट दोनों कलर के सेचुरेशन को -100 कर देंगे। सो गाइस मैंने यहाँ से दोनों कलर को 100 कर दिया है, तो यहाँ से अब हम डन कर देंगे। सो वहाँ से डन करने के बाद हम कलर जेडिंग वाले टूल पे जाएंगे, जो ऊपर साइड में मिस टूल से जस्ट बगल में लेफ्ट में रहती है। सो यहाँ से ग्रीन कलर को पिक कर लेंगे, थोड़ा सा सर्कल से बाहर निकाल देंगे। सो यहाँ से मैंने कर दिया है शैडो को। अब हाईलाइट्स पे जाएंगे इसके, और इसको भी इसी तरह येलो कलर में थोड़ा सा कर देंगे। हाँ, हल्की से सर्कल को बाहर निकाल देंगे डॉट्स पे से, येलो कलर को चूज़ करना है। सो इसको यहाँ से डन कर देंगे अब हम। तो गाइस आप लोगों को हल्की फुल्की थोड़ी सी बेरा नॉइज भी आ सकती है यहाँ पे भी, सो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो अब चलते हैं आगे। तो अब हम फिल्टर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फेवरेट वाले पे क्लिक करेंगे, आर्टिस्टिक वाले पे जाएंगे, आर्टिस्टिक 6 वाले नंबर चूज करेंगे फिल्टर को और फिर यहाँ से डन कर देंगे। फिर से लाइट वाले कलर पे जाएंगे, कलर टूल पे जाएंगे, सबसे पहले वाइट लाइन को हम हल्की सी नीचे से डाउन करेंगे, जैसे मैंने चाहे बस सेम आपको उसी तरह से फॉलो करना है एकदम। इसे चाहे मैंने वाइट लाइन उतर दिया है। अब हम रेड लाइन पे जाएंगे, रेड लाइन को बीच में से थोड़े से डाउन करेंगे, उस पर थोड़ी सी नीचे से हल्की सी, इसको भी यहाँ से डाउन कर देंगे। अब हम ग्रीन वाले कलर पे जाएंगे, ग्रीन वाले कलर को उसी तरह हल्की सी यहाँ पे नीचे करनी है, इसलिए ये भी हो चुका है। अब हम ब्लू वाला कलर पे जाएंगे, इसको एकदम थोड़ा सा नीचे से करेंगे। सो यहाँ से इसको हम डन कर देंगे, ये भी हो चुका है एकदम कंप्लीट हमारा। सो यहाँ से डन कर देंगे अब हम। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल का सब्सक्राइब भी कर देना जो बंदे नए हैं। सो बिफोर आफ्टर डेट सकते हो तुम लोग,
तो इस फोटो को गैलरी में सेव करने के लिए शेयर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और सेव टू मेस्टर लेंगे। तो ऐसे ही और कमाल से वीडियो के साथ मिलते हैं। सो गाइस बाय, पीस आउट।